देवरिया केस की फाइल पहुंची योगी के पास, ग्राम सभा की जमीन पर बनाया मकान, अब चलेगा बुलडोजर। एसडीएम और कानून गोने की नापी, विधायक ने भी कह दिया नहीं बचेगा एक भी पापी। अब तक 16 गिरफ्तार, लेखपाल हो या फिर बड़के अधिकारी, सबकी तैयार हो रही है रिपोर्ट। जिसने भी की लापरवाही उस पर भी गिरेगी गाज। देवरिया केस की फाइल सीएम योगी के पास पहुंच चुकी है। बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने खुद पूरी रिपोर्ट सीएम को दी है। अब तक 16 आरोपी इस केस में गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ इतनी नहीं होनी, एक्शन ऐसा होना है कि ये पूरे देश प्रदेश के लिए नजीर बन जाए। इसीलिए एसडीएम और कानून गो ने आकर जमीन की नापी की, ग्राम सभा की जमीन पर मकान कैसे बना इसकी जांच की। और अब खबर है कि बुलडोजर का इंजन स्टार्ट होने वाला है। जिन 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से किस किस के घर का कौन सा हिस्सा गिरेगा, ये कहना मुश्किल है। इस घटना के बाद से योगी इतने गुस्से में हैं कि लेखपाल समेत कई राजस्व कर्मचारियों की रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। इस घटना में जिसकी भी गलती मिलेगी उस पर सीधा एक्शन होने वाला है। एक तरफ पुलिस वहां पर कैंप कर रही है, डीएमएसपी खुद जायजा ले रही हैं, तो दूसरी तरफ एक्शन रिपोर्ट तेजी से तैयार की जा रही है। इसीलिए अब जो कहानी खुलकर सामने आई है वो शुरुआती कहानी से बिल्कुल अलग है। देवरिया के लोगों का कहना है कि पूरा मामला 10 बीघे जमीन का है। सत्य प्रकाश दुबे के भाई साधु दुबे ने अपने हिस्से की 10 बीघे जमीन गांव के ही दूसरे टोले के रहने वाले जिला पंचायत के पूर्व सदस्य प्रेमचंद्र यादव को बेच दी थी। जमीन बेचने के बाद वो प्रेमचंद्र यादव के घर पर ही रहते थे। 3 महीने पहले साधु दुबे गुजरात चले गए, तभी एक दिन सुबह सुबह प्रेमचंद्र यादव जमीन को देखने गए तो वहीं हंगामा शुरू हो गया। फिर मामला सत्य प्रकाश दुबे के तक पहुंचा और इस विवाद में प्रेमचंद यादव की जमीन चली गई। इसी घटना के बाद प्रेमचंद्र यादव के परिवार में ऐसा आक्रोश फैला कि दूसरे दिन सत्य प्रकाश यादव का पूरा परिवार ही इनके गुस्से का शिकार हो गया। हालांकि बड़ा बेटा देवेश, जो इस दिन बलिया में भगवत कथा कहने गया था, बच गया। उसने जो बताया वो सुनकर दिल बैठ जाएगा। मेरे भाई का जन्मदिन था, हमें पता नहीं था कि ये लोग अचानक ऐसा करेंगे। आज जन्मदिन था, उसने कहा कि भैया मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं कथा करने जा रहा हूँ, जो भी मिलेगा तुम्हारे लिए लाऊंगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस विवाद को कई लोग जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का दावा है कि योगी राज में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। पर जाति के चश्मे को हटाकर देखें तो इस घटना की सच्चाई समझ आती है कि लेखपालों के खेल में कितने ही परिवार बर्बाद हो गए। इस केस में इस बात का जवाब अब तक सामने नहीं आया कि जब जमीन की रजिस्ट्री हो गई थी तो फिर उस पर विवाद क्यों था। क्या सत्य प्रकाश दुबे के भाई ने अपने हिस्से से ज्यादा जमीन बेच दी थी और उस पर प्रेमचंद्र यादव ने कब्जा करने की कोशिश की, इसीलिए हंगामा हुआ। पुलिस एक एक कर पहलू की जांच पड़ताल कर रही है। प्रेमचंद्र यादव के घर के बाहर की पूरी जमीन राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने नापी और उन्हें सीधा आदेश मिला है कि अगर जमीन पर कब्जे की शिकायत मिलती है तो उसे तुरंत ध्वस्त कर दिया जाए। मतलब देवरिया केस में अभी बुलडोजर वाला एक्शन बाकी है। बाकी 16 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हो सकता है कुछ नए राज खुलकर सामने आएं।